हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से और फिर वीकली चार्ट और डेली चार्ट और वर्ली चार्ट पे छोटा सा रिकैप करते हुए 15 मिनट चार्ट पे पहुंचेंगे। कल के लेवल्स डिस्कस करेंगे, साथ साथ 5 मिनट चार्ट के ऊपर आज के ट्रेडिंग सेशन को भी रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। फ्रेंड्स, देखिए मंथली चार्ट बुलिश है, हायर टॉप हायर बॉटम कंटिन्यूस बना रहा है मंथली चार्ट पे, और कुछ बोलने को रह नहीं गया है। ठीक है, और जब ऑल टाइम हाई पे बाजार खड़ा है तो मंथली चार्ट पे आपको किसी भी तरीके का रिवर्सल सिग्नल तब दिखेगा जब कुछ फॉल आएगा। ठीक, बाजार कोई साइडवेज भी नहीं है, बाजार कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम बनाता जा रहा है। यहाँ पर वीकली चार्ट पे 22,380 के नीचे फिलहाल ट्रेड करता हुआ बाजार है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसके नीचे 22,130 तक का खड़ा है, जहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला था। और हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 22,130 को जाके टेस्ट करके हायर हाई लगाना चाहिए अगर बाजार को ऊपर निकलना है। लेकिन यहाँ से भी बाजार, ये जो आज लो बनाया 22,300 के आस, 250, 260, 300, यहाँ से भी बाजार घूम सकता है। वाई, ये हम छोटे टाइम फ्रेम पे चल के समझेंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ब्रेक डाउन ही दे दे। उसका रीज़न क्या है फ्रेंड्स? देखिए, ये हायर टॉप जब बना रहा था तो 22,300 का एक लेवल था। ठीक है, 22,300 को जो आके इसने टेस्ट किया, उसके बाद क्योंकि बाजार नीचे 22,220-25 तक आके रिवर्स हुआ था, तो अब ये सपोर्ट 22,220-25 हुआ, ना कि 22,300। ठीक है, तो अगर किसी ने पैनिक किया हो कि भाई जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं लॉन्ग बना के बैठे हैं कि भाई 22,250-60 आ गया इंट्राडे में, वीक हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जब तक ये रिसेंट लो होल्ड है तब तक बुल्स के लिए है, ये जैसे ही टूटेंगे तो बड़ा फॉल आपको बाजार में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप खुद देख सकते हो ये जो स्टीप ट्रेंड लाइन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बस 22,120-30 तक भी अगर रीटेस्ट हो गई ना, देन ऑल्सो ये वैलिड रहेगी। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये एडजस्टेड है। ठीक, तो अब हम लोग ओवरली चार्ट के ऊपर मूव करते हैं। ओवरली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं, समझते हैं क्या चल रहा है। देखिए, ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी आज, ये जो सुबह की 9:15 बजे की, 9:15 से 10:15 की कैंडल बनी है, इसने इसको रीटेस्ट किया, उसके बाद ये सारा दिन कंसोलिडेट करता रहा। ठीक है, अब मैं 15 मिनट चार्ट की बजाय 5 मिनट चार्ट पे सबसे पहले चलूँगा, क्योंकि 5 मिनट चार्ट पे हम लोग हमेशा लेवल्स रेडी करके रखते हैं कि भाई सबसे पहले लर्निंग दी जाती है कि मेरी वीडियोज़ में, कि हमें आज के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए था, क्योंकि पैसा बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाई बनाया शुरू के 5 मिनट की कैंडल, आप देख लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है 22,370 का हाई, 320 का लो। ठीक, उसके बाद बाजार ने अगले 10 मिनट कंसोलिडेट किया एक रेंज में, और फिर रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक करी, 22,390 का हाई बनाया। 390 का जो हाई बनाया है, 390 का हाई बनाने के बाद आप सोचिए, अगर आप लॉन्ग पोजिशन बनाएंगे तो आप डे लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 75 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस बनता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको अपना एसएल छोटा करना है तो ये जो रेंज है, इसके रेंज के अंदर बाजार अगर जाता है तो यू कैन स्क्वायर ऑफ। तो रेंज कहाँ तक आती है हमारे लिए छोटा स्टॉप लॉस कहाँ बनता है, 370 का के नीचे का, 360 का स्टॉप लॉस लगाइए, 392 पे लॉन्ग, 390-92 पे लॉन्ग कीजिए, 30-35 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस रहता है, और हमारे लिए 35 पॉइंट का ट्रेड बनता है 430 तक का, और हाई कितना बनाया बाजार ने, 450 का। ठीक है, तो एक छोटा 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 सा ट्रेड हमारे को यहाँ पर कैप्चर हुआ। सेकंड इज कि यहाँ पे जो इंट्राडे में रेंज बना रहा था, जहाँ पे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, इसको ये वाली कैंडल जो है ना 10:30 की, इसने ब्रेक डाउन दे दिया। 410 पे अब हम शॉर्ट करते हैं, 455 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, फिर 45 पॉइंट तक का हमारा स्टॉप लॉस लगता है, तो हमारे को 410 से 45 पॉइंट तक का ट्रेड लेना है, तो बट ऑब्वियसली 365 तक का टारगेट हमारा बनता है। ठीक है, तो अगली ही ये जो 10:40 की कैंडल है, इसने 350 का लो लगा दिया। ठीक है, अब दो ट्रेड हमारे को यहाँ पर मिल गए, तीसरा ट्रेड कब मिला हमारे को फ्रेंड्स? जब ये नीचे गया है और इसने लो बनाया 250 तक का, और 300 के ऊपर आके क्लोज हो गया। हमने बोला था 300 से लेके 280 तक का सपोर्ट है। ठीक है, जो क्लोजिंग जो हुई है लास्ट दो कैंडल्स की भी, आप देखिए 300 के नीचे हुई नहीं, उसके बाद ऊपर जाके क्लोज हुआ 335 पे, तो इसने सिग्नल दे दिया कि भैया अभी ऊपर की तरफ वापस से रिवर्स हो रहा है, तो 335 पे हम लॉन्ग करते हैं। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं उस कैंडल के नीचे तक का, नहीं तो आप चाहें तो 255 तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉस
90 पॉइंट तक का बन रहा है, तो 90 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट नहीं करता। मैं ये बोल के चलता हूँ, मेरा जो पर्सनल तरीका होता है वो ये है कि भाई ये जो सपोर्ट लाइन है इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 290 तक का, और यहाँ से 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिए और 45 पॉइंट का ट्रेड लीजिए, यानी कि 380 तक का टारगेट हमें चाहिए था और ये 390 लगा दिए बाजार ने 12:10 पे। ठीक है, फिर उसके बाद साइडवेज मार्केट में भी मतलब हमें तीन ट्रेड मिल गए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड हो सकता है, कल क्या पॉसिबिलिटी है, कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। ठीक है, लेवल्स के ऊपर फोकस रखिए। अब जो रेजिस्टेंस है वो 22,400 हो गया, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसके ऊपर निकलेगा ऑब्वियसली 22,450 है, 22,470 के ऊपर जाएगा तो 530 टेस्ट करेगा, क्योंकि बाजार यहाँ पे भी रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा फेस किया था, तो पहले 570 के ऊपर इसे टिकने दीजिएगा। ठीक है, 530 है ना, तो 570 के ऊपर टिकने दीजिएगा। वाई क्यों? क्योंकि ये 0.618 है, पता लगा आप 30-40 पॉइंट ऊपर गया फिर घूम गया, तो 570 के ऊपर अगर एक बार निकल गया तो हमें और छोटी हो जाएगी, फिर हमारे दो टारगेट आएंगे 640 और 730। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ, 22,400 के ऊपर 450, 470 के ऊपर 530, 570 के ऊपर 640, 730, ये ऊपर की साइड का। अगर बाजार ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे आता है, जो इसका सपोर्ट 22,300 से 280 ब्रेक कर देता है कल के दिन, तो 22,220 से 22,180 तक का टारगेट बनेगा, फिर 170 अगर ब्रेक होगा तो 22,080 आ जाएगा। ठीक है, ये लेवल्स मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।